हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपका कल्चर अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में आपको 10 लाख जीरा साइज का बच्चा कैसे कैसे फीडिंग कराना है, कितने बजे आपको कराना है, ये सब चार्ट में हमने बताया हुआ था। शायद आप लोगों ने देखा हुआ होगा। अगर जो भाई लोग नहीं देखे हो, प्लीज जो है पिछला वीडियो, आप इसके पहले भी एक वीडियो बना है, वो सब देखते हुए आप इस वीडियो को वॉच करिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो प्लीज जो है वो दोनों वीडियो आप देखते हुए तब इसको आप देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भाई लोग नया है, प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी को दिखाते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने जैसे कि आप लोगों को पहले जो वीडियो में हमने बताया था कि 1 महीने में जब आप ये बच्चा आप ये डालेंगे, तो स्टार्टिंग में 1 महीने तक कौन कौन सा फीडिंग आपको कितना कितना मात्रा में देना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही रखा है। तो इस वीडियो में हम मानते हैं 1 महीने का हमारा जीरा साइज का बच्चा हो गया है, ये हमारा जीरा साइज का जो बच्चा हो गया है वो 1 महीने पुराना हो गया है। 1 महीना के बाद आपको इसको फीडिंग में क्या क्या देना है और कैसे देना है, आइए हम इस पे जो है आपको बताते हैं। तो हमने एक बुक पे जो है ये सब लिख लिया है कि 1 महीने के बाद जो बच्चा बन जाता है वो लगभग 1 से 2 इंच का बच्चा बन जाएगा जीरा साइज का। तो ये इसमें अब जो है हमको क्या क्या देना पड़ेगा रोज, वो ध्यान से देखिए, और इसको कितनी बार में देना है वो हम अभी आगे बताएंगे। तो इसमें पहले रहेगा क्या आपको मिलाना पड़ेगा, 300 ग्राम जो है इसको आप चाहे तो एक कॉपी पे आप भी लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आप भूल ना पाए और इससे आपको जो है फायदा ही हो सके। 300 ग्राम पहला रहेगा आपका गुड़, और दूसरा जो है आपको फीडिंग देना है जो है 5 केजी जो है सरसों की खली रहेगी। प्लीज जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कल्चर करने जा रहे हैं, तो अगर आप 2-4 मिनट इतना स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और थोड़ा सा आप केयर करते हुए इस वीडियो को देखा करिए। और इसके बाद जो है 5 केजी जो है आपका रहेगा चावल का पॉलिश, उसके बाद जो है आपका चौथा जो है रहेगा फीडिंग में 3 केजी जो है, ध्यान से देखिएगा, ये सब हमने अपने यहां करके देखा है कि कितना फायदा होता है, क्या होता है, ठीक है, तब हम ये आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें 1 महीना आपका पुराना बच्चा हो गया है, तो आपको ये चार चीजें आपको लगने वाली हैं, ठीक है, चार क्या, एक पांचवी चीज अब नेक्स्ट महीने से लगेगी, ये 1 महीने के लिए आपको खिलाना है 1 महीना, ठीक है। और डोज ये 1 दिन का हमने बता दिया, 300 ग्राम गुड़, 5 केजी सरसों का खल, 5 केजी चावल का पॉलिश, 3 केजी गेहूं या बाजरे का दर्रा, ध्यान दीजिएगा ये दर्रा है, पिछली वीडियो में हमने क्या बोला था, आटा, आटा महीन होता है, दर्रा मतलब एक दाने में से 2-4 टुकड़े कर लीजिए, उसी को दर्रा बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको एक बर्तन ले लेना है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए बर्तन हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें आपको 300 ग्राम गुड़ आप डाल दीजिए, इसमें 5 केजी जो है सरसों की जो खल आती है इसको डाल दीजिए, 5 केजी जो है चूने सॉरी चावल का जो पॉलिश होता है, पॉलिश मतलब जो इसका चावल का छिलका होता है वो नहीं, धान का छिलका जिसे बोलते हैं, जब चावल जब छिलका निकल जाता है ना, तो चावल फिर मशीन में जाता है ना, तो उसकी थोड़ा सा शाइनिंग देने के लिए उसको रगड़ जाता है, तो उसमें से देखेंगे आटे टाइप का व्हाइट व्हाइट गिरता है, उसको बोला जाता है चावल का पॉलिश, ना कि छिलके को बोला जाता है, कई लोग कमेंट करते हैं, तो इसका आपको हम बता दे रहे हैं। फिर चौथा जो है आपका 3 केजी जो है गेहूं मिल जाए उसका दर्रा मिल जाए, नहीं तो बाजरा अगर मिल जाए तो और अच्छा है, ठीक है, इन सभी को आप डाल दीजिए। इसमें जो है आपको एक चीज और रहेगा आपका पांचवा, ये भूल रहे थे हम, 100 ग्राम जो है नमक रहेगा, थोड़ा सा इसका डाइजेशन अच्छे से आए और इसके स्किन पे शाइनिंग आए, इसके लिए 100 ग्राम नमक। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे आपको बनाना है,
इसके आगे का हम इस पे ग्राफ बना दे रहे हैं, इसका आप चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है। ये सब पांचों चीजें आप इसमें डाल दीजिए। कब डालनी है, जैसे आपको ये 30 दिन इसका पूरा हो गया, नेक्स्ट डे से हमको ये सब खिलाना है, तो खिलाने से एक दिन पहले, जैसे हमको कल खिलाना है तो आज जो है शाम को जो है ये सब मिला करके पानी डाल करके उसको भीनने के लिए रख देंगे, रात भर वैसे रहेगा, सुबह जो है हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा आइए हम बताते हैं इसके आगे। दोस्तों जो भी भाई लोग नए आए हैं प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिव रहे कि आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी वीडियो हम दे सकें और डीपली समझा सकें। और हम तो सोचते हैं सभी लोगों को एकदम अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाए, किसी का लॉस ना हो फिश फार्मिंग में, लेकिन आप लोग स्किप करके वीडियो देखेंगे तो कैसे होगा। प्लीज जो है बिना स्किप के वीडियो देखा करिए आप लोग, ठीक है। तो जैसे हमने वो पांचों चीज बताई आपको, तो ये मान लीजिए एक छोटा सा ड्रम है, हमने इसमें चारों चीजें जो है डाल दिया शाम को और ये सुबह रेडी हो गया है। अब इसको कैसे खिलाना है एक महीने बाद वाले बच्चे को, जीरा साइज का एक महीने पुराना बच्चा हो गया है, दूसरे महीने से हमको इसको रोज जो है दो समय खिलाना है, रोज दो बार, ठीक है। ये रोज दो बार इसको खाना देना है, कब कब देना है, एक जो है आपको सुबह 7 बजे सूर्य उदय हो जाए तब, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, और एक जो है शाम को जो है 6 बजे, 6 बजे, ठीक है। जैसे जितना भी डोज हमने बताया इसमें मिला के रखे हुए रहेंगे, ये मान लीजिए ड्रम है तो इसका आधा कर दीजिए, आधा उठा करके आप सुबह 7 बजे दे दीजिए, आधा उठा करके आपको शाम को देना है। जितना भी डोज हमने बताया था उसका ये पूरा आपने बनाया हुआ था, इसका आधा भाग, जैसे ये 5 किलो आपका टोटल बन रहा था, तो 2.5 किलो सुबह दे दिए हैं, अब 2.5 किलो शाम को दे दिए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोगों। और अब तीसरा ट्रिप, इसके बाद जो है आप इसको देते जाइए हर रोज। अब इसके बाद जो है आपका दूसरा महीना जो है इसको खाना खिलाते हुए पूरा हो गया बच्चों का। अब इसका साइज देखेंगे आप, 2.5 इंची तक चला आएगा, ये सब आप प्रॉपर ढंग से खिलाएंगे तो। अब इसके बाद जो है आपको 30 तारीख को जो महाजाल आता है उसको आपको इसमें जो है चला करके देखना है कि हमारे बच्चों में कोई दिक्कत हो, फंगल हो, इन्फेक्शन तो नहीं है कि क्या दिक्कत है। फिलहाल इसमें जो दिक्कत उक्कत आती है इसका वीडियो हम नेक्स्ट बना देंगे आपको, तो कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप देख करके उसको जज करके उसका वहीं पर निवारण कर सकते हैं। तो आपको 30 तारीख को, मतलब एक महीने बाद फिर से, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, 30 तारीख को जब आपका बच्चा जिस दिन से लाए हैं 30 तारीख को आपको जाल चलानी है और देखना है, और फिर उसको बच्चे को उसी तालाब में फिर से छोड़ देना है। सेम प्रोसेस इसका रहेगा, खाना पूरा खिला दिए हैं आप एक महीने तक, फिर 30 तारीख को आपको जाल को चलाना है, और चलाने के बाद जो है आपको देखना है बच्चे में साइनिंग अच्छी है, एक्टिविटी अच्छी है, बच्चे हैच हुए हैं अच्छे से, ये सब देख के 2 मिनट देख करके आप फिर से उसमें आराम से तालाब में छोड़ दीजिए। और जब कोई दिक्कत आती है तो प्लीज जो हमें कमेंट करिएगा, या फिर हमें स्क्रीन के दिए गए नंबर पे हमें फोन करिएगा, तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। और दोस्तों IMC का और कॉर्क मछलियों का अगर बच्चा चाहिए आपको, जीरा साइज का बच्चा चाहिए, ये बेसिकली आपका मार्च से लेके आपका अगस्त तक, इस टाइम तक मिलता रहता है, जो कि हम होम डिलीवरी भी करते हैं और बाय ट्रेन के माध्यम से भी देते हैं, बाय फ्लाइट के भी माध्यम से पहुंचाते हैं। तो जिनको ये जीरा साइज का बच्चा लेना हो प्लीज जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और ये बच्चा हमसे आप परचेज कर सकते हैं। IMC मतलब रोहू, कतला, नयन, ग्रास कार्प, इन तरीके की मछलियों का। तो दोस्तों जो भी भाई लोग नया है प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बना के हम आप सभी को दिखा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेके, इसके आगे आपको क्या खिलाना है, क्योंकि ये बच्चा 1 साल के लिए आप रखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।